ग्वालियर जिले से है, जहां दूध की खाली टंकी में अवैध शराब को भरकर ले जा रहे एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि आरोपी दूध की टंकी में अवैध शराब बेचने के लिए ले जा रहा था। उसी दौरान पुलिस ने चेकिंग के दौरान आरोपी को रोककर तलाशी ली। वहीं जब पुलिस ने दूध बेचने वाले व्यक्ति की दूध की टंकी खोलकर चेक की तो पुलिस के होश उड़ गए। दरअसल गाड़ी पर टंगी चार दूध की टंकी में दूध की जगह अवैध शराब भरी हुई थी, जिसमें से दो टंकी में देशी सफेद और दो टंकी में मसाला देशी अवैध शराब के क्वार्टर भरे हुए थे। वहीं जब पुलिस ने आरोपी दूधिया से पूछताछ की तो पूछताछ के दौरान उसने अपना नाम धर्मेंद्र गुर्जर मुरैना का रहने वाला बताया। इसके तहत ही पुलिस ने आरोपी की गाड़ी, दूध की चार टंकी और अवैध शराब को जब्त किया। साथ ही आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे जेल भेजा गया। ग्वालियर किला गेट पुलिस को जो है मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जो है दूधिया है और दूध की आड़ में शराब का व्यवसाय कर रहा। तो उक्त सूचना पर हजीरा चौराहे के पास में घेराबंदी की और घेराबंदी कर उस दूधिया को तलाशी दी। तलाशी लेने पर उसकी दूध की टंकियों में करीब 81 लीटर 450 क्वार्टर देसी शराब के मिले, कीमती 30,000 रुपये के हैं। और टंकी में जो है धारा 34(2) एक्साइज एक्ट के तहत जब्त किया गया। दूधिया जो है मुरैना का रहने वाला है, धर्मेंद्र गुर्जर नाम है उसका, और उससे पूछताछ की जा रही है। वो दूध के आड़ में इस प्रकार से अवैध शराब बिक्रे का काम कर रहा था, परिवहन का काम कर रहा था। अब इस संबंध में विस्तृत पूछताछ की जा रही है उससे।